BA 12th standard commerce, right? So our chapter, today's chapter is chapter number 5, staffing. Now let's understand what is staffing. In general terms, staffing matlab kisi ko naukri pe rakhna, just recruiting a person, right? Lekin aisa nahi hai. Staffing ka ek bahut hi deep meaning hai, bahut hi क्या बोलते हैं क्लियर मीनिंग ये है कि स्टाफिंग मीन्स मेकिंग ऑफ स्टाफ. सच्ची बात है, राइट? स्टाफिंग मीन्स मेकिंग ऑफ स्टाफ. ये मेकिंग ऑफ स्टाफ क्या होता है ये बताता हूँ. ये मेकिंग ऑफ स्टाफ में रिक्रूट करना भी आ जाता है, राइट? इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू लेके उनको अपॉइंटमेंट स्क्रूटिनाइज करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना. अपॉइंटमेंट लेटर देने से स्टाफिंग खत्म नहीं हो जाता है. स्टाफिंग जो है उन लोगों को अच्छी तरह हमारे कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना, हमारे कंपनी के वातावरण से उनको एक क्या बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो फॉर्म करके देना, सो दैट दे गेट कंफर्टेबल, दे फील कंफर्टेबल. उनको ट्रेनिंग दो, बराबर दो टाइप के ट्रेनिंग होता है. एक कंपनी के बारे में बताओ कि वो किस फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं, और एक टेक्निकल ट्रेनिंग दो, सो दैट they get used to our technical parts or machinery parts. Okay, फिर उसके बाद जो है उसके बाद उनको कोई काम देना, उस काम पे वॉच रखना, राइट? वॉच रख के फिर अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उस मुताबिक उनको अप्रिशिएशन देना, अप्रिशिएशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना, उनको क्या बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाना उनके साथ. फिर उसके बाद उनके उनके क्या बोलते हैं उनके प्रमोशन के बारे में सोचना. फिर उसके बाद वो सपोज वो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड के बाद उनको क्या मिलेगा, पेंशन के बारे में, उसके इस लाइफ के बारे में, एवरीथिंग कम्स अंडर स्टाफिंग. तो स्टाफिंग कोई छोटी बात नहीं है, राइट? ये स्टाफिंग को इम्पोर्टेंस देते हुए नाउ इन मॉडर्न स्टडीज MBA में भी staffing HR, that is human resource development, staffing is related to human being, that is staff, therefore human resource development, ये बहुत ही important department है, right? तो ये इसके लिए अलग subject बना दिया गया है MBA में, और इसको काफी importance दिया जा रहा है. क्योंकि क्या है, ये जो staff होते हैं ना, वो आपके लिए limbs है. जैसे ये body है, बॉडी वाले माइंड कितना भी काम करे, कितना भी अच्छी तरह सोचे, बरोबर बाकी सारे होना, लेकिन ये हाथ और पांव दौड़ने के लिए तैयार नहीं हो, या हाथ और पांव काबिल नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है, राइट? दैट्स स्टाफ, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्टाफिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, इंट्रोडक्शन. आफ्टर रिवोल्यूशन इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. Initially, there was no proper system for production. System of earning more profit at less cost began. As a result, exploitation of employees began. At the end of the 19th century, dynamic management leaders realized that in production, sensitive staff is more important than inanimate machines. सही बात है? Machine और human being, ये दोनों का comparison नहीं हो सकता. मशीनरीज में ना फीलिंग होता है, ना इमोशन होता है, और उसका परफॉर्मेंस का एक लिमिटेशन आ जाता है. हाँ, नो डाउट 24 आवर्स काम करेगा, लेकिन कब तक, जब तक उसका एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है. लेकिन ह्यूमन बीइंग का कोई कैपेसिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है. अगर हम इनको अच्छी तरह हैंडल करें तो ये दे कैन डू वंडर्स, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मशीन को बनाने वाला भी है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसका हाथ हमेशा ऊपर होगा. Right? So this is the thing. So they also realized that machines do not work automatically, but employees operate them. As a result, they realized the need for a scientific system for employees' recruitment, selection, appointment, promotion, transfer, and training. देखिए, बहुत important features है. कौन से? Employees' recruitment, staffing and selection, appointment, promotion, transfer, and training. Right? Now let's start with staffing. The function of staffing is also as important as other functions of management. It is a process of development of an individual. In the past, human element was not given due importance.
planning of business might have been done in best possible manner, and formation of organization also might have been proper, but if the selection and training of the personal is improper, यहाँ पे देखिए ये personal है, personal नहीं है, right? बहुत सारे बच्चे इसको personal personal पढ़ते हैं. It is personal which is related to human being, employee, staff, right? Personal is improper, then the organization cannot be successful. The success of an organization depends on the efficiency and attitude of its employees. Staffing is an activity of maintaining relations with the employees of the organization. Right? Wapas bol raha hu, staffing is an activity of maintaining relations with the employees of the organization. Now let's read the concept. In the ordinary sense, the term staffing is not merely recruitment. Sirf recruitment nahi hai. But also includes acquiring ka matlab getting employees, training and maintaining them, right? Select karna, unko train karna, phir uske baad unko maintain karna, sabse badi baat maintain karna, right? Wo hamare liye asset hai to humko chhod ke nahi jana chahiye, unka jo turnover less hona chahiye, company ka turnover more hona chahiye, lekin labor turnover hamesha less hona chahiye. In a wide sense, it includes recruitment, selection, training, promotion, transfer, and post-retirement activities. Okay, let's now go to characteristics. Important functions of management. Staffing is also one of the important functions of management, like planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. Now, perennial process. Organization cannot exist without employees. Sahi baat hai. Organization cannot exist without employees. As long as organization activities exist, employees and staffing will also exist. Wapas bol raha hu, as long as organization activity, jab tak company rahegi, employees and staffing always they will remain there, right? So this is perennial, continuous, right? Now, concerned with human relations. The main objective of staffing is to acquire the right employees and make the best use of them. Employees are the only living factors of production. They have feelings and self-respect. As it is related with human element, humanitarian behavior. Ye word likhna hai aapko. Humanitarian behavior is expected towards them. Right? So they are concerned with human relation. Next is staffing is a dynamic process. Because of proper staffing, all the activities of an organization becomes dynamic, right? All-rounder, flexible, related with other managerial functions. Other managerial functions like planning, organizing, directing, coordinating, controlling are close related with staffing. Aap aise dekhne jaye na, organization ya to koi bhi company ka first stage se last tak ka staffing to hota hi hai. Human being bina koi company nahi hai, right? तो एक से शुरू होता है, बहुत सारे से खत्म होता है, राइट? इट डिपेंड्स आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है. नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन. अदर मैनेजरियल फंक्शन आर आल्सो रिलेटेड टू स्टाफिंग. वाइड स्कोप. स्टाफिंग इज नॉट मेयरली एन एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर, बट इज आल्सो कंसर्न्ड विद एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग. इसके ऊपर पढ़ा था अभी कंसेप्ट में, एक्वायरिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल. And it also works for their development. Next is capital expenditure. Yes, ये बहुत important है जो लोग गलत समझ रहे हैं. The expenditure incurred for recruitment, selection, training and development of the staff is not an expense but an investment. Okay, this is very very important. Next is importance. Staffing occupies an important place in the process of management. As more industries have been developed, the importance of staffing has also increased. Any organization without staff is like mere skeleton. Staff bina to soch hi nahi sakte koi bhi organization, right? It is like a mere skeleton. The inanimate machine can increase production with employees can give even better result. In comparison to other factors of production, the future of a business enterprise depends upon on its staff. Staffing is the only living factor of production, right? Next is personal. Personnel cannot be considered as physical resources because they have feelings, self-respect, intelligence,
अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट स्केल राइट, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे तो होंगे उसमें, फीलिंग्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट स्किल्स। ओके, तो एन एक्सपर्ट हैज राइटली सेड माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। यस, दिस इज वेरी वेरी ट्रू, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रू। अगर कोई भी कंपनी हो, वेदर इट इज रिलायंस और वेदर इट इज अ स्मॉल करियाना स्टोर, इफ यू माइंड योर पर्सन, माइंड योर मैन, मैन मतलब स्टाफ, देन दे विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। यू हैव टू जस्ट देन बी रिलैक्स राइट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब बैठ कर आराम से क्रिकेट मैच देखते होते हैं। आपको क्या लगता है वो लोग रिलायंस को छुट्टी दे के आके क्रिकेट देखते हैं? नहीं, वो यहाँ छुट्टी इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनके जो पर्सनल है, उनके जो एम्प्लॉयज है, वो कंपनी उनके बदले में देख रहे हैं और वो इतना ही कमाते हैं, शायद ज़्यादा कमाते हैं। बरोबर, जो प्रोडक्शन है, जो इनकम है, वो बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है नीता अंबानी के एब्सेंट में भी। वाई? बिकॉज वो उनके एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते हैं। तो मैन, माइंड योर मैन राइट, माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू राइट। तो पर्सनल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेंट। तो फॉलोइंग पॉइंट्स विल क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, लेट्स सी वन बाय वन। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, यस राइट। स्टाफिंग एक जो कंपनी नामक गाड़ी को जो भगाता है वो है स्टाफ। तो ड्राइविंग फोर्स, कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओनली एन एफिशिएंट स्टाफ कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अलोंग विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डायनामिक एक्टिविटी, स्टाफिंग इन्फ्यूसेस डायनामिज्म इनटू बिजनेस एंड परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस राइट। इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक में भी पड़ा क्योंकि सारे फंक्शंस जो है रिलेटेड टू स्टाफिंग है। अदर मैनेजरियल फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एटसेट्रा कैन नॉट सक्सेस विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग। लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला आपको, प्लानिंग ऑक्यूपाइज प्लेस ऑफ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी व्हाइल स्टाफिंग इज लाइक लिम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। विदाउट देम एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग स्टाफ, ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी अंडरस्टूड एंड स्पीडी सॉल्यूशन इज पॉसिबल। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्रिएट्स फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन इन देयर अमंग द एम्प्लॉयज। दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रॉपर स्टाफिंग और सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टाफिंग इज डन। हारमोनी इन रिलेशंस, नाउ हारमोनी रिलेशंस मतलब जो स्मूथ रिलेशन बोलते हैं ना, कंपनी का जो जो स्मूथनेस है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड हारमोनी रिलेशन। स्टाफिंग क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश cordial relationship between employers and employee. Increase the prestige of an organization. A contented and efficient staff is an invaluable asset. It increases the prestige of an organization. ये तो आपने सुना भी होगा right? ये देखिए कैसा होता है कि कभी भी कोई company के बारे में ना रहे लेकिन यार उनके पास employees जोरदार है right? ये एक simple logic है। ये employees पे पूरा company organization डिपेंड होता है। तो ये जो चीज़ें, आप एक स्कूल ले लो ना, स्कूल जब अच्छी चलती है ना तो ऐसा नहीं बोले कि बच्चे अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, दैट इज स्टाफिंग राइट। तो जो स्टाफ अगर अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो दैट इज द थिंग। तो कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज इनवैल्यूएबल एसेट। नाउ इट इंक्रीजेस द प्रेस्टीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यस। इसका भी एक फंक्शन है जो कभी इसका खत्म नहीं होता है। The very existence of business is not possible without staff. As long as business activities continue, staff and staffing process will also continue. जब तक organization है, staff and staffing process continue रहेगा. Therefore, it is called continuous process. Okay, student. So our first topic 5.1A we have completed. Just go through. 3 marks में पूछा जा सकता है. Definition, introduction, definition, meaning, concept. Characteristic and importance. Okay, I hope you got it. इसको 2-3 बार पढ़ो, एक बार लिख के देखो तो आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. Okay, तो bye till the next video. Have a nice day.